तो दोस्तों शुरू करते हैं इस वीडियो को। जैसा कि आपको पता है, इस वीडियो में हम योजनाओं को डिस्कस करने वाले हैं कि कौन सी योजना किस वर्ष में शुरू हुई है। तो जो हमारी पहली योजना है वो है पढ़े भारत बड़े भारत योजना। पढ़े भारत बड़े भारत योजना शुरू हुई है 27 अगस्त सन 2014 को। और दूसरी योजना है प्रधानमंत्री जनधन योजना। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट योजना है। प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत हुई थी 28 अगस्त सन 2014 को। मेक इन इंडिया की शुरुआत हुई थी 25 सितंबर सन 2014 को। मेक इन इंडिया 25 सितंबर सन 2014। स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत हुई थी गांधी जयंती के दिन 2 अक्टूबर सन 2014 को। संसद आदर्श ग्राम योजना, ये शुरू हुई थी 11 अक्टूबर सन 2014 को। मिशन इंद्रधनुष योजना, मिशन इंद्रधनुष योजना का शुभारंभ किया गया था 25 दिसंबर सन 2014 को। तो एक बार फिर से देखते हैं, पढ़े भारत बड़े भारत योजना, इसकी शुरुआत हुई थी 27 अगस्त सन 2014 को। प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत हुई थी 28 अगस्त सन 2014 को। मेक इन इंडिया की शुरुआत हुई थी 25 सितंबर सन 2014 को। स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत हुई थी 2 अक्टूबर सन 2014 को। सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत हुई थी 11 अक्टूबर सन 2014 को। मिशन इंद्रधनुष योजना की शुरुआत हुई थी 15 दिसंबर सन 2014 को। अब चलते हैं आगे दोस्तों। आगे हम डिस्कस करने वाले हैं सन 2015 की इंपॉर्टेंट योजना, जैसे कि नीति आयोग। नीति आयोग की शुरुआत हुई थी 1 जनवरी सन 2015 को। हृदय योजना की शुरुआत हुई थी 21 जनवरी सन 2015 को। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बहुत इंपॉर्टेंट योजना है, 22 जनवरी सन 2015 को इसकी शुरुआत हुई थी। सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत भी 22 जनवरी सन 2015 को हुई थी। तो दोस्तों ये दो योजना एक ही दिन पर शुरू हुई थी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना और सुकन्या समृद्धि योजना। एक बार फिर से देख लेते हैं, नीति आयोग की शुरुआत हुई थी 1 जनवरी सन 2015 को। हृदय योजना की शुरुआत हुई थी 21 जनवरी सन 2015 को। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और सुकन्या समृद्धि योजना दोनों की शुरुआत एक ही दिन हुई थी, 22 जनवरी सन 2015 को। अब चलते हैं आगे। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की शुरुआत हुई थी 9 मई सन 2015 को। अटल पेंशन योजना की शुरुआत हुई थी 9 मई सन 2015 को। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना की शुरुआत हुई थी 9 मई सन 2015 को। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की शुरुआत 9 मई सन 2015 को हुई थी। दोस्तों ये रिपीट हो गया है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की शुरुआत 9 मई सन 2015 को हुई थी, आप लोग जानते हैं। उस्ताद योजना की शुरुआत हुई थी 14 मई सन 2015 को। उस्ताद योजना की शुरुआत 14 मई सन 2015 को हुई थी। एक बार फिर से देखते हैं, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा की योजना की शुरुआत 9 मई सन 2015 को हुई। अटल पेंशन योजना 9 मई सन 2015 को हुआ, उसी दिन जिस दिन ये प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना शुरू हुई। और उस्ताद योजना की शुरुआत हुई थी 14 मई सन 2015 को। अब चलते हैं आगे दोस्तों। प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत 25 जून सन 2015 को हुई। अमूर्त योजना की शुरुआत 25 जून सन 2015 को हुई। और स्मार्ट सिटी मिशन की शुरुआत भी 25 जून सन 2015 को हुई। तो दोस्तों ये तीनों योजनाएं एक ही दिन शुरू हुई हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना, अमृत योजना, स्मार्ट सिटी मिशन। तो इनकी जो डेट है वो है 25 जून सन 2015, आपको याद करने में आसानी होगी इसलिए पास पास लिखा गया है इन्हें। डिजिटल इंडिया मिशन की शुरुआत 1 जुलाई सन 2015 को हुई थी। स्किल इंडिया मिशन की शुरुआत 15 जुलाई सन 2015 को हुई।
दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना की शुरुआत 25 जुलाई 2015 को हुई। एक बार फिर से देखेंगे, प्रधानमंत्री आवास योजना, अमृत योजना, स्मार्ट सिटी स्मार्ट योजना मिशन, इन सब की शुरुआत हुई 25 जून 2015 को। डिजिटल इंडिया मिशन, डिजिटल इंडिया मिशन की शुरुआत हुई 1 जुलाई 2015 को। स्किल इंडिया मिशन, स्किल इंडिया मिशन की शुरुआत 15 जुलाई 2015 को हुई। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना की शुरुआत 25 जुलाई 2015 को हुई। अब चलते हैं आगे दोस्तों। नई मंजिल, नई मंजिल योजना की शुरुआत हुई 8 अगस्त 2015 को, 8 अगस्त 2015। सहज योजना की शुरुआत हुई 30 अगस्त 2015। स्वावलंबन स्वास्थ्य योजना की शुरुआत हुई 21 सितंबर 2015 को। मेक इन इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट योजना है, आपको याद रखना है इसकी डेट। मेक इन इंडिया की शुरुआत हुई 25 सितंबर 2015 को। इम्प्रिएट इंडिया योजना, इसकी शुरुआत हुई 5 नवंबर 2015 को। स्वर्ण मौद्रीकरण योजना, इसकी भी शुरुआत 5 नवंबर 2015 को हुई। और उदय योजना, उदय योजना की शुरुआत भी 5 नवंबर 2015 को हुई। तो दोस्तों इन तीन योजनाओं की शुरुआत एक ही दिन हुई है। अब देखते हैं, नई मंजिल योजना की शुरुआत हुई है 8 अगस्त 2015 को। सहज योजना की शुरुआत हुई है 30 अगस्त 2015 को। स्वावलंबन स्वास्थ्य योजना की शुरुआत हुई है 21 सितंबर 2015 को। मेक इन इंडिया की शुरुआत हुई है 25 सितंबर 2015 को। और इम्प्रिएट इंडिया योजना, स्वर्ण मौद्रीकरण योजना और उदय योजना, इन तीनों की शुरुआत एक ही दिन हुई है 5 नवंबर 2015 को। अब चलते हैं दोस्तों आगे। वन रैंक वन पेंशन योजना, ये सेना से जुड़ी हुई योजना है, इसकी शुरुआत हुई थी 7 नवंबर 2015 को। ज्ञान योजना, ज्ञान योजना की शुरुआत हुई है 30 नवंबर 2015 को। किलकारी योजना, किलकारी योजना की शुरुआत हुई है 25 दिसंबर 2015 को। नमामि गंगे अभियान का पहला चरण, देखिए दोस्तों नमामि गंगे अभियान का पहला चरण आरम्भ हुआ था 5 जनवरी 2016 को। स्टार्टअप इंडिया, स्टैंडअप इंडिया अभियान जो है ये शुरू हुआ था 16 जनवरी 2016 को। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शुरू हुई थी 18 फरवरी 2016 को। सेतु भारतम परियोजना, सेतु भारतम परियोजना 4 मार्च 2016 से चालू हुई है। फिर से देखते हैं दोस्तों, वन रैंक वन पेंशन योजना का आरम्भ हुआ है 7 नवम्बर 2015 को। ज्ञान योजना की शुरुआत हुई है 30 नवंबर 2015 को। किलकारी योजना, किलकारी योजना की शुरुआत हुई है 25 दिसंबर 2015 को। नमामि गंगे अभियान का पहला चरण आरंभ हुआ है 5 जनवरी 2016 को। स्टार्टअप इंडिया, स्टैंडअप इंडिया अभियान चालू हुआ है 16 जनवरी 2016 को। फसल बीमा योजना, फसल बीमा योजना चालू हुई है 18 फरवरी 2016 को। सेतु भारतम परियोजना, सेतु भारतम परियोजना 4 मार्च 2016 को चालू हुई है। अब चलते हैं आगे। स्टैंड अप इंडिया योजना, स्टैंड अप योजना 5 अप्रैल 2016 को लागू हुई है। दोस्तों ये स्टार्टअप स्टैंडअप योजना से अलग है, और ग्राम उदय योजना से भारत उदय अभियान, ठीक है, ग्राम उदय से भारत उदय अभियान, ये एक अभियान हुआ था, इसकी शुरुआत हुई है 14 अप्रैल 2016 से। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना चालू हुई है 1 मई 2016 से। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना चालू हुई है 31 मई 2016 से। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना की शुरुआत हुई है 1 जून 2016 से। नमामि गंगे कार्यक्रम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, ये चालू हुआ है 7 जुलाई 2016 से। तो एक बार फिर से देखेंगे, स्टैंड अप इंडिया योजना की शुरुआत हुई है 5 अप्रैल 2016 से। ग्रामोदय से भारत उदय अभियान चालू हुआ है 14 अप्रैल 2016 से। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना शुरू हुई है 1 मई 2016 से। प्रधानमंत्री कृषि योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना चालू हुई है 31 मई 2016 से।
राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना शुरू हुई 1 जून 2016 से, नमामि गंगे कार्यक्रम चालू हुआ है 7 जुलाई 2016 से। अब चलते हैं आगे, गैस फॉर इंडिया, गैस फॉर इंडिया की शुरुआत हुई है 6 सितंबर 2016 से। उड़ान योजना, उड़ान योजना की शुरुआत हुई है 21 अक्टूबर 2016 से। सौर सुजल योजना, सौर सुजल योजना की शुरुआत हुई है 1 नवंबर 2016 से। प्रधानमंत्री युवा योजना, प्रधानमंत्री युवा योजना की शुरुआत हुई है 9 नवंबर 2016 से। और भीम ऐप, भीम ऐप की शुरुआत हुई है 30 दिसंबर 2016 से। एक बार फिर से देखेंगे, गैस फॉर इंडिया, गैस फॉर इंडिया की शुरुआत हुई है 6 सितंबर 2016 से। उड़ान योजना, उड़ान योजना की शुरुआत हुई है 21 अक्टूबर 2016 से। सौर सुजल योजना, सौर सुजल योजना की शुरुआत हुई है 1 नवंबर 2016 से। प्रधानमंत्री युवा योजना, प्रधानमंत्री युवा योजना की शुरुआत हुई है 9 नवंबर 2016 से। भीम ऐप, भीम ऐप की शुरुआत हुई है 30 दिसंबर 2016 से। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर ये आपको हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ लाइक करिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको हमारी वीडियो की अपडेट डेली मिलती रहे। दोस्तों, इस वीडियो को जो है आप लोग, मेरा ये कहना है कि इसके आप नोट्स बना लें, इसको एक जगह पर लिख लें, जिससे ये सने जो आपको याद करने में दिक्कत होती है वो दिक्कत नहीं होगी। सारी योजनाओं को एक तरफ लिखें, और जो सने हैं जिन सन को ये स्टार्ट हुई हैं योजनाएँ, उन्हें एक तरफ लिखें तो आपको याद करने में आसानी रहेगी काफ़ी। और दोस्तों, ये बात तो सभी लोग जानते हैं कि हर एग्ज़ाम में कम से कम 2 योजनाएं पूछी जाती हैं, चाहे वो उनका कार्य पूछा जाए कि वो योजना किससे संबंधित है। और ज़्यादातर क्वेश्चन इस तरीके से ही होता है कि कौन सी योजना किस डेट पर शुरू हुई, तो आपको ये डेट याद करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो प्लीज़ अगर आप लोग लिख लेंगे, नोट्स बना लेंगे, तो ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। धन्यवाद आप सभी लोगों का BSET की क्लासेस से जुड़ने के लिए।